गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस जल्दी आना प्रभु। तो आज है गणेश जी का विसर्जन, तो विसर्जन से पहले हम कर लेंगे एक बार और पूजा। तो देखिए हम पूजा कैसे करते, क्योंकि मैंने गणेश जी का एक भी ब्लॉग नहीं डाला, गणेश चतुर्थी के दिन भी नहीं डाला था, क्योंकि पहले उसके एक दिन पहले हमारा हड़ताली का व्रत था, हड़ताली का तीज का व्रत था, तो पूरी रात जगे थे। दूसरे दिन नींद बहुत जोर से आ रही थी, इसलिए ना वीडियो बना पाए थे ना डाल पाए थे। तब देखिए ये आज 10वें दिन की पूजा है। पूजा करने के बाद में हम करेंगे गणेश जी का विसर्जन। वो पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद में हवन होएगा। पहले हम सभी लोग एक एक बार की पूजा कर लेंगे, तिलक लगा के, फूल दूबा हुआ सब चढ़ा के, एक और गणपति जी बिठा रखे, उनको भी, कलश को भी, रिद्धि सिद्धि जी को भी, सबको सबको तिलक लगा लगा के पूजा कर ली। तिलक लगाने के बाद में सबको चावल चढ़ा देंगे। गणेश जी को सबसे प्रिय रहती है दूबा और मोदक के लड्डू, तो मोदक के लड्डू भी चढ़ा देंगे और दूबा भी चढ़ा देंगे। उसके बाद में हवन की तैयारी चल रही थी इधर पीछे, तो दोनों भाई हवन की तैयारी में लग रहे थे। तैयारी हो ही चुकी थी थोड़ी बहुत थी, तो हवन अब चालू कर देंगे। थोड़ी बहुत देर में दोनों भाई चालू कर देंगे, और भैयू भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहा था, हेल्प कम काम ज़्यादा बढ़ा रहा था। उसके बाद में हवन होने लगा। हवन करने के बाद में मेरे देवर आहुति छोड़ रहे थे और मेरे हस्बैंड मंत्र बोल रहे थे, वो मंत्र बोल रहे थे तो हम सबको हंसी चल रही थी। वो जल्दी जल्दी बोल रहे थे, बिल्कुल पंडित जी की तरह। उसके बाद हम कर लेंगे गणपति बप्पा की आरती। आधे घंटे चला हवन, पूरी वीडियो नहीं बनाई, वैसी बनाई थी। नंद महाराज जी की जय। अब हम गणपति बप्पा को पूरे घर में घुमा लेंगे, क्योंकि विसर्जन से पहले एक बार पूरे घर में घुमाना रहता। इधर इनका स्टूडियो है, उसमें ले गए सबसे पहले। ये इनका ये स्टूडियो मेरे पति का, वो उधर घुमाने ले गए गणपति बप्पा को, फिर दूसरे कमरे में घुमा लिया था। अब पूजा का सामान यहाँ से बोल रहे हैं राहुल भैया कि सब सामान लेके जाओ, चल रहे हैं अब डायरेक्ट अपन नीचे घुमाते हुए और लेके जाएंगे। तो ये पूजा का सामान लेने लग गए ऊपर ही, और हम सब नीचे आ गए। तो भैयू भी साथ लग रहा था, तो मैं भैयू को पकड़ के खड़ी थी थोड़ी देर के लिए। वो बोल रहा था मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। फिर से यहीं गणपति जी जय जय करवाएंगे। छोटे से गणपति जी गए थे एक भैया यहीं पड़ोस के, उनके घर बैठा रखे थे वो भी, फिर भी उन जय जय कर ली। उसके बाद में सब लोग पहुँच गए नीचे, या नीचे भी पूरे घर में घुमा लिया गणपति जी को। अब यहाँ से पूरे धूप वगैरह सब उठा उठा के ले जा रहे हैं। अब जाएंगे उल्टे उल्टे, क्योंकि ऐसे कि घर की साइड में हो गणपति जी का, ऐसे जाएंगे। फिर मोहल्ले के सभी लोग आ जाएंगे अपने अपने गणपति जी को लेके विसर्जन के लिए, और सब हमारे गणपति जी की धूप देने के लिए जाएंगे। देखिए वो बाहर खड़े हैं कुछ लोग, धूप दे रहे हैं गणपति जी की, उनके कान में कुछ बोल रहे थे गणपति बप्पा, अगले बरस जल्दी आना। तेज पहुंच गए नदी पे, नदी पे जाके पूजा करने लग गए। पूजा करते करते पानी आने लगा था बहुत जोर से। पानी आने के बाद में
विसर्जन कर दिया पानी गिरते टाइम ही। ये बोल के गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस जल्दी आओ, ये बोल के सभी लोगों ने विसर्जन कर दिया। विसर्जन के बाद में डुबकी दिलवा दी पहले, तो ये हो गया बहते पानी में विसर्जन हो गया अच्छे से। और अब हम दिखाएंगे अनंत चतुर्दश की। आज जी हमारा अनंत चतुर्दश का व्रत भी था, तो फिर हमने कर दिया अनंत भगवान की पूजा। कर लेंगे आदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश।